क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है भाई, 5x अपॉन में x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। तो ये है हमारा पार्शियल का ही क्वेश्चन है, 5x अपॉन में x प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसको साइड में लिख लो पहले, 5x अपॉन में x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। तो क्या होगा, पहले x प्लस वन के ऊपर है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर हम नहीं बना सकते, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर फिर क्या आता है, बी एक्स प्लस सी आएगा। ठीक है भाई, तो इसको जब उधर शिफ्ट करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा पहले a से, तो x प्लस वन कट गया तो ये बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, और इससे करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन कट जाएगा, ये बचेगा बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस वन। मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर वाले कलेक्ट करो, कौन कौन से हैं भाई, एक्स स्क्वायर वाले हैं ए प्लस बी, कॉन्स्टेंट है और सॉरी एक्स वाले हैं बी प्लस सी एक्स, और कॉन्स्टेंट है नाइन ए प्लस सी। तो यहाँ से मेरे को अब ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाला तो नहीं है, तो ए प्लस बी हो गया ज़ीरो, और एक्स वाला है बी प्लस सी हो गया पाँच, एक्स वाला पाँच है और नाइन ए प्लस सी हो गया ज़ीरो, है ना, कांस्टेंट भी नहीं है ना, क्योंकि इधर अब यहाँ से मुझे ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई यहाँ पर आ जाओ पहले, अगर मैं इधर ही मल्टीप्लाई करने से पहले, देखो यहाँ से एक वैल्यू आ सकती है, अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ एक्स को माइनस वन, इधर अगर एक्स को माइनस वन पुट कर दूँ, तो एक्स को माइनस वन पुट करते ही ये तो ख़त्म ना, तो ये माइनस वन पुट करा तो ये तो आ गया माइनस पाँच, और माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन और नाइन कितना हो गया टेन, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस फाइव बाई टेन, तो ए की वैल्यू आ गई पहले माइनस वन अपॉन टू। तो ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करूँगा तो ये पूरा ज़ीरो हो रहा है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। अब देखो यहाँ पर पुट करो माइनस हाफ प्लस बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू, और यहाँ पर पुट करूँगा अगर b की वैल्यू पुट करूँगा वन अपॉन टू प्लस सी इक्वल टू पाँच, तो c हो जाएगा फाइव माइनस, तो ये हो जाएगा टेन और नाइन बाई टू। तो b आ गया, c आ गया और a आ गया माइनस हाफ। तो ये है हमारी तीन वैल्यूज, उसके बाद क्या हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन में x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल्स टू में ए कितना है भाई, ए है माइनस हाफ अपॉन में एक्स प्लस वन, माइनस हाफ अपॉन में एक्स प्लस वन। ऐसे ही बी एक्स मतलब हाफ एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का हाफ एक्स, और सी था नाइन बाई टू अपॉन में ये है एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, तो इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट बोथ साइड। तो ये तो बन गया क्वेश्चन, 5x dx अपॉन में x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, और यहाँ पे माइनस हाफ बाहर, dx अपॉन में x प्लस वन, और ये हाफ x प्लस नाइन बाई टू, इसको नाइन को लिख रहा हूँ थ्री का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक इसका तो खेल ख़त्म, लॉग हो गया आंसर, लॉग x प्लस वन। यहाँ पर देखो ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, तो अलग अलग कर दो। अब देखो भाई अलग अलग तभी करना जब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन सब फॉर्मेट्स में हो ना, तभी हम सेपरेट करते हैं इसको। कई बच्चों ने मुझसे पूछा, क्योंकि इसमें 7.4 में हमने टाइप 3 भी करा था, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक होती है, है ना, तो हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते थे ए एक्स प्लस बी, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस बी, है ना, इस फॉर्म में लिखते थे 7.4 एक्सरसाइज के अंदर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहां पर क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में हो तो आपको सेपरेट कर देना है। ठीक है, कैसे सेपरेट, पहले हाफ एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, फिर नाइन बाय टू के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहां पर ये तो हो ही गया माइनस हाफ लॉग x प्लस वन, हाफ बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस
तीन का स्क्वायर 9/2 बाहर आ जाएगा dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो भाई इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर देते हैं। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका है, नीचे वाले को t मान लो तो 2x dx हो जाएगा dt, x dx हो जाएगा dt/2 सॉरी। तो हुआ क्या, हाफ सेम रहा, x dx की वैल्यू आ गई, dt/2 को बाहर ले गए और नीचे मान लिया 2, तो ये हो गया 1/4 log t, और t किसको माना था, 1/4 log x² + 9। तो ये खेल खत्म, इसका हो गया। और यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला कौन सा, dx अपॉन में x² + a² वाला, 1/a tan inverse x/a। तो 9/2, 1/a कौन है, 3, tan inverse x/3, तो ये आ गया 3/2 tan inverse x/3। अब देख लो भाई तीनों आंसर आ चुके हैं, ये भी और ये भी, तो बस मर्ज करके लिखना है आप, -half log x + 1 + 1/4 log x² + 9 + 3/2 tan inverse x/3 + तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन, तो ये है हमारा साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस ए डीएक्स, तो इसे हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है भाई। इन क्वेश्चंस के अंदर जैसा एंगल नीचे है वैसा ऊपर बना दो, ठीक है भाई, जैसा एंगल नीचे है वैसा ऊपर बना दो। तो आप कहोगे ऊपर तो एक्स है लेकिन माइनस ए भी चाहिए, तो मैंने क्या करा, -a + a कर दिया, ठीक है भाई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जैसा एंगल नीचे है वैसा आपको ऊपर बनाना है, तो ऊपर एक्स तो है, माइनस ए नहीं है, तो क्या करा, -a + a कर दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो एक्स माइनस ए साथ में लिख दो, प्लस ए साथ में अलग, और नीचे क्या चल रहा है, साइन एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन ए प्लस बी का, लिख देता हूँ यहाँ पर, 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी का, फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन कॉस कॉस साइन। तो मैं यहाँ पर ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए और साइन बी, और जो डिनोमिनेटर का ये जो साइन है ना, ये इसके नीचे भी चिपका दो और इसके नीचे भी चिपका दो, ठीक है भाई। तो ये तो अपना निकल लिया, बचा कॉस ए, और ये कॉस बाय साइन हो गया कॉट एक्स माइनस ए साइन ए। अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे अब, कॉस ए का अलग डीएक्स और कॉट एक्स माइनस ए और साइन ए का अलग। अब देखो भाई काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं, यहाँ पर कॉस ए का इंटीग्रेशन साइन ए लिख देते हैं, बहुत ही गलत है भाई, कॉस ए का इंटीग्रेशन साइन ए नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स है और यहाँ पर ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, वन आएगा अंदर, और साइन ए भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। तो वन का हो गया एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन, और इसका डेरिवेटिव दोबारा करूंगा तो वन आएगा, वन नीचे लिखने की जरूरत नहीं, ये है इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में है भाई e की पावर 5 log x - e की पावर 4 log x / e की पावर 3 log x - e की पावर 2 log x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो भाई यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जब भी आपको e की पावर log दिखे, e की पावर log, तो log के साथ में जो बैठा होता है वही आंसर होता है, याद रखना। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, जब भी e की पावर log दिखे, e की पावर log उसके साथ में जो बैठा होगा वही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखो e की पावर log तो है लेकिन साथ में 5 भी है, तो 5 को पहले पावर में ले जाओ, तो इसको पहले क्या लिख दो, x की पावर 5 हो जाएगा,
अभी जो पीछे प्रॉपर्टी बताई थी, एक्स की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स की पावर 2 हो जाएगा। अब देखो ई लॉग दिख गया साथ में, तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक्स की पावर 5, इसका एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स का क्यूब एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो ऊपर से एक्स की पावर 4 कॉमन आ रहा है और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये कट हो जाएगा और ये भी कट होकर बचेगा 2, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में है भाई कॉसेक्स डी एक्स अपॉन में अंडर रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बोल रहा है इसको इंटीग्रेट करो। तो यहां पर दिख रहा है आपको कि भैया अगर मैं साइन एक्स को टी मान लूं, डेरिवेटिव करूं कॉसेक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो ऊपर का ये तो डी टी हो गया और नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। लगाओ भाई, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स टी बाय 2 प्लस सी, और टी किसको माना था? साइन एक्स को बाय 2। तो ये सिंपल था। टेंथ पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो ये हमारा साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 8 को लिख लो 4 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर, और नीचे चल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? पहले ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल होते हैं, अब आप क्यों विश्वास करोगे इस बात पर, है ना? मैंने बोला कि साइन फॉर एक्स प्लस कॉस फॉर एक्स और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों इक्वल होते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन आप कहोगे सर हम नहीं मान रहे, करके बताओ प्रूफ। तो ये सब क्वेश्चन ना 10th क्लास के अंदर आते थे, जब ट्रिग्नोमेट्री नया नया आया था उसमें हम प्रूफ करते थे इसको इसके इक्वल। लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे ये दोनों इक्वल है। तो उसके पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। अगर मुझे यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 2ab को इधर लाना पड़ेगा। तो कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो इसको 4 को क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और इसको कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दूं? भाई साइन 4 को साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और इसको कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो मुझे बताओ अगर मैं इसको ए और इसको बी मान लूं तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर का? तो क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। लगा सकते हो ना ये फॉर्मूला? तो इसको वापस से वही लिख दो जो जैसा ये था, साइन फोर एक्स प्लस कॉस फोर एक्स, और ये तो 1 होता है तो ये आ गया 1 माइनस 2। हो गया प्रूफ कि नहीं? तो इसलिए भाई सही बोला था मैंने, ये दोनों इक्वल होते हैं, साइन फोर एक्स कॉस फोर एक्स होता ही, क्योंकि अब ये दोनों इक्वल है। तो ये तो हो गए भैया जयराम जी की, बचा क्या? साइन फोर एक्स माइनस कॉस फोर एक्स बचा, अंदर बचा साइन फोर एक्स माइनस कॉस फोर एक्स डी एक्स। इसको फिर से लिख लो, 4 को लिख लो 2 की पावर 2 और इसको 2 की पावर 2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला लगेगा? फिर से ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये तो 1 हो गया। अब बचाइए
साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचा, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अगर माइनस कॉमन ले लूं फिर फॉर्मूला बनता है किसका, ये बनता है फॉर्मूला कॉस टू एक्स का, और कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन टू एक्स, फिर टू एक्स का दोबारा वन अपॉइंट टू प्लस, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। 11 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में है डी एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। तो भाई ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे पास 7.3 एक्सरसाइज में आए थे, डी एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। देखो भाई नीचे अगर कॉस कॉस हो या साइन साइन हो, नीचे या तो कॉस कॉस हो या साइन साइन हो, तो याद रखना साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये मैंने वहाँ भी बताया था आपको 7.3 एक्सरसाइज में, जब भी डिनोमिनेटर में कॉस कॉस हो साइन साइन हो तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन अगर साइन कॉस हो तो कॉस ए माइनस बी से, ठीक है ना। अगर सेम है तो साइन से, और ऑल्टरनेट है साइन कॉस है तो कॉस से, फिलहाल सेम है तो मैंने क्या क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी। तो मैंने क्या करा, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ऊपर लिख दो साइन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, और बाहर लिख दो साइन ए माइनस बी। अब जैसा एंगल नीचे चल रहा है वैसा ऊपर बना लो, तो वन अपॉन में साइन ए माइनस बी कैसे बनाएंगे ऊपर, यहाँ पर देखो एक्स एक्स भी है ना, तो मैंने ऊपर क्या करा माइनस का एक्स कर दिया और प्लस का एक्स कर दिया, बाकी डिनोमिनेटर में कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी तो चल ही रहा है, ठीक है कि नहीं। अब देखो कैसे होगा, ये साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए को साथ में लिखो और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेकर के साथ में लिखो, और अपॉन में कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा साइन ए माइनस बी का, अभी लिखवाया था ना पीछे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है साइन कॉस, माइनस है तो माइनस, कॉस साइन, तो क्या फॉर्मूला होता है साइन कॉस कॉस साइन, और ये जो डिनोमिनेटर में है इसके नीचे भी लगाओ और इसके नीचे भी लगाओ, दोनों के नीचे लगा दिया कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, तो वन अपॉन में साइन ए माइनस बी सेम। अभी देखो भाई यहां पर ये दोनों गए, क्या बचा टेन, और यहां पर ये दोनों गए, क्या बचा टेन, और टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है, टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग कॉस, तो यहां पर भी लगाओ फॉर्मूला, तो बाहर क्या है वन अपॉन में साइन ए माइनस बी तो है ही, तो इसका इंटीग्रेशन लगाया माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस ए, और यहां पर लगाऊंगा जब माइनस का लॉग कॉस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का लॉग कॉस एक्स प्लस बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा लॉग ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे प्लस का सी, ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि एक्स क्यूब डी एक्स ऊपर है अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 8, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स 8 को लिख लो 4 का स्क्वायर, और एक्स की पावर 4 को क्या मान लो टी, डेरिवेटिव करूँगा 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, 4 उस तरफ एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई 4,
तो एक्स क्यूब डी एक्स हट गया, डी टी बाई फोर अपॉन में अंडर रूट में वन माइनस टी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बताया था अभी? बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यहाँ पर लगाओ वन बाय फोर साइन इनवर्स टी बाय वन, है ना, और टी किसको माना है? वन अपॉन फोर साइन इनवर्स एक्स की पावर फोर प्लस। तो कंपेरेटिवली बहुत ईजी था ये। ट्वेल्थ थर्टीन तो देखो, क्वेश्चन नंबर थर्टीन में है ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन में वन प्लस ई की पावर एक्स टू प्लस ई की पावर एक्स। तो ये क्वेश्चन देखते समझ में आता है, सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद पार्शियल। अगर मैं ई पावर एक्स को टी मान लूँ तो डेरिवेटिव होगा ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो ये ऊपर हो जाएगा डी टी और नीचे हो जाएगा वन प्लस टी और टू प्लस टी। तो अब पार्शियल लगेगा, इसको साइड में लिख लो, वन अपॉन में टी प्लस वन और टी प्लस टू, इसको साइड में लिख लो। तो क्या करेंगे, टी प्लस वन के ऊपर ए और टी प्लस टू के ऊपर बी, इसको उधर शिफ्ट करो। तो जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा टी प्लस टू, और जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा टी प्लस वन। अब पुट करेंगे टी को सबसे पहले माइनस वन ताकि ये ज़ीरो हो जाए। तो माइनस वन पुट करा, माइनस वन प्लस टू हो गया वन, तो ए की वैल्यू आ गई वन। उसके बाद पुट करो टी को माइनस फोर, तो माइनस टू, माइनस टू पुट करा तो ये गया, तो ये हो जाएगा वन बी माइनस टू प्लस वन, तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, तो बी हो जाएगा हमारा माइनस वन। तो अब ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो वन अपॉन में टी प्लस वन, वन अपॉन में टी प्लस वन टी प्लस टू। ए की वैल्यू कितनी है भाई? वन और माइनस वन है ना, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टी प्लस वन और माइनस वन अपॉन टी प्लस टू। उसके बाद करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये तो बन गया मेरा डी टी अपॉन में टी प्लस वन टी प्लस टू, और ये डी टी अपॉन में टी प्लस वन माइनस डी टी अपॉन में टी प्लस, तो इसका हो जाएगा लॉग टी प्लस वन माइनस लॉग टी प्लस टू, और लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बाय बी, और टी के इसको माना था, टी माना था ई की पावर एक्स को, पुट कर दो भाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस, तो ये फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इसको इंटीग्रेट करना है। अब जब भी इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर आ जाए, ऐसे क्वेश्चन 7.5 में भी हमको देखने को मिले थे, जब भी एक्स स्क्वायर आ जाए तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को t मान लो, लेकिन डेरिवेटिव मत निकालना, क्योंकि डेरिवेटिव निकालने के बाद तो ये पूरा x पूरा t में कन्वर्ट हो जाएगा ना, मुझे वो नहीं करना है। मैं इसको सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी मान रहा हूँ ताकि मेरा पार्शियल ईजी हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, वन अपॉन में इसको ये हो गया टी प्लस वन और टी प्लस फोर। तो अब इसको पार्शियल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, तो ये हो जाएगा टी प्लस वन बाय ए टी प्लस फोर बाय बी। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो टी प्लस वन कट कर आ जाएगा टी प्लस फोर, और टी प्लस फोर कट कर आ जाएगा टी प्लस वन। ठीक है भाई, तो सबसे पहले पुट कर देते हैं t को माइनस वन ताकि ये ज़ीरो हो जाए, तो वन, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस फोर थ्री, तो a आ गया वन अपॉन थ्री। ऐसे पुट कर दो t को माइनस फोर, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, तो ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस वन माइनस तीन, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाय थ्री। a और b आ गया, पुट करो यहाँ पर, तो वन अपॉन में t प्लस वन टी प्लस फोर, तो वन बाय थ्री अपॉन में टी प्लस वन माइनस वन बाय थ्री अपॉन में टी प्लस फोर। अब इसमें इंटीग्रेट करने से पहले टी की वैल्यू पुट करनी है ना, क्योंकि भाई मैंने वहाँ पर सब कुछ टी में थोड़ी कन्वर्ट करा था, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तो अभी भी एक्स है ना, तो इंटीग्रेशन तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड लिखने से पहले पुट कर दो वैल्यू,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, वन बाय थ्री आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाय थ्री आगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब लिख दो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये तो क्वेश्चन बन गया dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो क्वेश्चन बन गया। और ये क्या हो जाएगा, वन बाय थ्री बाहर, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, वन बाय थ्री बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। तो दोनों में फॉर्मूला लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा, वन अपॉन में ए टैन इनवर्स एक्स बाय वन, और वन अपॉन में ए कौन है यहाँ पे, टू टैन इनवर्स एक्स बाय टू। तो आंसर आ गया वन अपॉन में थ्री टैन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन में सिक्स टैन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, 15 पर आ जाओ। 15 में है कॉस क्यूब एक्स ई की पावर लॉग साइन एक्स। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी ई लॉग हो तो इसका आंसर क्या होगा, साइन एक्स। बस अब क्या, कॉस एक्स को क्या मान लो, टी माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी, नेगेटिव उधर शिफ्ट कर दो, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी, तो ये पूरा हटकर आ गया डी टी, और ये हो जाएगा टी क्यूब। टी क्यूब का इंटीग्रेशन होता है टी फोर बाय फोर, तो टी किसको माना था, कॉस को ना, तो कॉस की पावर फोर एक्स प्लस, ये आंसर। ठीक है भाई, 16 क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि ई की पावर थ्री लॉग एक्स और एक्स की पावर प्लस फोर माइनस वन, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पहले तीन को ऊपर, लॉग एक्स क्यूब, और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव लिखना है तो नीचे लिख दो। तो ई लॉग आ गया ना साथ में, तो ऊपर क्या आ गया, एक्स क्यूब एक्स की पावर फोर प्लस वन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर नीचे वाले को क्या मान लो, तो ये हो जाएगा फोर एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाय फोर, तो ये हट गया, वन बाय फोर तो बाहर ले जाओ, और ये हो जाएगा डी टी बाय टी। डी टी बाय टी क्या होता है, लॉग टी, और किसको माना था, टी किसको माना था, एक्स की पावर फोर प्लस वन प्लस 17। क्वेश्चन नंबर 17 है एफ डैश ए एक्स प्लस बी और एफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन, बोल रहा है इसको इंटीग्रेट करो। तो यहां पर आपको दिख ही रहा है, अगर मैं एफ ए एक्स प्लस बी को टी मान लो, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले एफ डैश, फिर अंदर वाले का दोबारा इन टू ए डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, है ना, चेन रूल लगेगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिखूंगा, एफ डैश, फिर अंदर वाले का दोबारा ए को उधर ले जाओ, एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी टी बाय ए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये तो हट गया, डी टी बाय ए बाहर ले जाओ, और ये हो गया टी की पावर एन, तो टी की पावर एन का क्या होता है इंटीग्रेशन, टी की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन में ए एन प्लस वन, और टी किसको माना था, एफ ए एक्स प्लस बी की पावर, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है भाई, तो ये वीडियो यहीं तक, 17 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। 18 से लेकर आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट ज़रूर करें, या फिर इंस्टाग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर थोड़ी बातें कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।